जो है पूरी ट्रेन बुक करी हुई है। पहले हम फोर व्हीलर से जाने वाले थे, लेकिन उसमें क्या है ना, आराम से लेट नहीं सकते, सो नहीं सकते, मतलब बैठ के ही जाना रहता है। थोड़ा सा बस आप सीट को थोड़ा पीछे कर सकते हैं, हाँ तो जो है थोड़ा बहुत आराम ले सकते हैं, लेकिन ट्रेन में क्या है ना, आराम से फैल के लेट जाओ। और वैसे भी अभी कोरोना है तो ज़्यादा कोई यहाँ पे ट्रेवल कर नहीं रहा है, तो इसी वजह से हम लोगों ने सोचा क्यों ना यार ट्रेन ही बुक कर ली जाए। तो आप देख रहे होंगे, देखो कोई भी नहीं है यहाँ पे, ये देखो वहाँ पे हमारे हस्बैंड लेटे हुए हैं आराम से। और सबसे अच्छी बात पता क्या है, यहाँ पे इसमें वॉशरूम वाली व्यवस्था भी होती है ना, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो मेरे को ट्रेन में जाना पसंद नहीं है, लेकिन फॉर इमरजेंसी मेरे को भी हो सकता है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने ट्रेन बुक करी हुई है, तो आप देख रहे हो कि मैंने एक ही मास्क लगाया हुआ है। जब घर से निकले थे तब तो दो लगाए हुए थे, और यहाँ पे अभी एक लगाया हुआ है, एक मैंने जो है अपने बैग में रख लिया है। और अभी ट्रेन का शोर इतना ज़्यादा है कि आपको मेरी आवाज़ शायद ठीक से ना सुनाई दे रही हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं पूरी कोशिश करूँगी आप तक अपनी आवाज़ पहुँचाने की। तो अभी बस बैठे हैं, चले जा रहे हैं ट्रेन में बढ़िया मज़े से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोक नहीं। कितनी भी तेज़ आप चिल्ला सकते हैं, कितनी भी तेज़ आप बातें कर सकते हैं, वैसे भी जिसको अगर तेज़ बातें करनी हो या कुछ भी करना हो तो आप कर सकते हो भाई, सामने वाला क्यों रोकेगा। हाँ कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जिनको बड़ी प्रॉब्लम होती है सामने वाले के बोलने से, हमें भी हो जाती है जब कभी, लेकिन फिलहाल अभी हम कितनी भी तेज़ बातें कर सकते हैं। ये आप देखो पूरी ट्रेन वाले भाई, जैसे कि मैंने आपको बताया मैंने ट्रेन बुक करी हुई है, हाँ और क्या। अब ऐसा तो नहीं है यार एक होगी मैं हम एक ही अकेले हों, है ना, एक आध। अरे वो भैया, अरे वो तो ऐसे ही वो सफाई पाई वाले आ जाते ना, वो होंगे। हाँ तो बैठे थे, कुछ नहीं, हमने सोचा चलो सो जाए, क्या है काफ़ी लंबा सफ़र है, इतना ही सोएंगे, फिर थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं, फिर चलो ब्लॉग ही शूट कर लेते हैं। तो ये देखो बाहर कुछ भी नहीं दिखने वाला है, क्योंकि ट्रेन जो है काफ़ी रफ्तार पकड़ चुकी है, और अभी हम जो है आगरा में भी रुकेंगे, वहाँ पे मेरी सिस्टर मुझसे मिलने के लिए आ रही है, पापा भी आ रहे हैं, तो फिर उनसे मिलने के बाद फिर हम वापस जो है ट्रेन से तो नहीं उतरने वाले, 5 मिनट का स्टॉपेज है इसका आगरा में, बस यहाँ से अपने जो है घर जाएंगे। हम लोग पहुँचेंगे रात में 9 बजे, और तब तक का सफ़र कितना बोरिंग होने वाला है, तो शायद ये वीडियो मेरा टाइम पास कर दे। और ट्रेन कैसे मतलब तेज़ एकदम इतनी आवाज़ कर रही है कि मेरी आवाज़, हम लोगों ने प्लान किया था कि यहाँ पे ना मूवी देखेंगे, काफ़ी सारी मूवीज़ जो है डाउनलोड करके लेके आए हुए थे, लेकिन ट्रेन की आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज है कि यहाँ पे आपको मूवी की आवाज़ नहीं आने वाली है, तो कोई फ़ायदा नहीं है मूवी देखने का। और फिर ऐसा तो है नहीं कि हम सिर्फ उसको देखते रहें और सुनाई कुछ भी ना दे तो भी चलेगा ना, तो जो है फिर बस यही एक ऑप्शन था टाइम पास करने के लिए, तो अभी कर रहे हैं और बस बैठे हुए हैं। ये देखो मैं ना घर से मास्क, मैंने आपको बताया दो लगा के आई हुई थी, मैं ग्लव्स भी पहन के आई हुई थी, हाँ और क्या बोलते हैं मैंने निकाल दिए हैं, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, इसी वजह से थोड़ा मतलब आराम से फ्रीली बैठ सकते हैं। पूरी सीट को सैनिटाइज किया हुआ है, उसको कपड़े से मतलब साफ किया हुआ है, तब जाके हम लोग यहाँ पर बैठे हैं आराम से। और अब मतलब पूरी ट्रेन खाली है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं पे भी जाके बैठ सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अगर वहाँ पे लेटे हुए हैं तो सीट को भी पूरा सैनिटाइज किया हुआ है, तब जाके ये वहाँ पे लेटे हुए हैं। ये देखो मेरे ग्लव्स मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, निकाल दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा हाथों में स्वेटिंग हो रही थी। और ये देखो ये थोड़ा सा बाहर का भी व्यू दिखाते हैं आपको, वाव अच्छा लग रहा है, काफ़ी ग्रीन यहाँ पे है।
अभी हम एक्चुअली क्या है, इनका वर्क फ्रॉम होम था तो फिर घर में भी बैठे बैठे काफ़ी बोर हो रहे थे। 7 डेज के लिए हम लोग दीदी के पास भी चले गए थे गुड़गांव। तो फिर सोचा यार घर जाए भी काफ़ी टाइम हो गया था, तो फिर सोचते हैं हम लोगों ने कहा चलो निकलते हैं, अपनी सेफ्टी से जाएंगे पूरा जो भी है। तो अभी हम लोग निकल आए हैं घर के लिए, अब घर पे काफ़ी सारे लोग हैं तो आराम से टाइम पास होगा, मस्ती होगा, मजाक होगा, सब कुछ होगा और इनकी क्लासेस भी चलती रहेंगी आराम से। इतनी तेज़ यहाँ पे हवा चल रही है ना कि अगर मैंने अपनी चोटी ना करी हुई होती तो शायद मेरे बाल पूरे उलझ चुके होते। इसलिए मैं कभी भी, जब भी मैं कभी बाहर जाती हूँ ना, कभी ट्रैवल करती हूँ तो अपना मैं छोटी वाली बोल के रखती हूँ, जिससे मेरे बाल जो है थोड़े अच्छे बने रहते हैं और उलझते भी नहीं है। और घर पे जाके पूरा सारा सामान सैनिटाइज होगा और हम तो मतलब सैनिटाइज तो अपने आप को क्या ही करना, जाके सीधे नहाएंगे ही और बस फिर जाके अपना शुरू होगा घर पे सामान। ये देखो मतलब इनको ये नहीं लग रहा कि मैं यहाँ पे अकेली बैठी हुई हूँ, आराम से सोए पड़े हैं। हेलो करीब 2 घंटे। अभी हम लोग ना मोरना जो है पहुंच चुके हैं, तो
तो अभी 2 घंटे लगने वाले हैं, तो उनकी मूवी और कंप्लीट हो जाएगी। तो अभी कौन सी मूवी देखने वाले हैं ना? वैसे तो काफी सारी मूवी डाउनलोड की थी आज के लिए, लेकिन अभी एक मूवी हम लोगों ने इसके पहले देखी थी, लेडी गैंगस्टर। अच्छी मूवी थी, साउथ की मूवी है, बढ़िया थी। और अब हम लोग देखेंगे लम्हा। लम्हा ना, ओके, किसकी है ये? तो संजय दत्त, इसमें जो हीरो है या विलेन है? सुरक्षित रहिए, और अगर ज़रूरत ना हो तो कहीं ना जाइए, बिना किसी काम के तो ना ही जाइए, तो अच्छा ही है। और अगर किसी की जॉब अभी इस टाइम ऑफिस से हो रही है तो भाई उनका जाना ज़रूरी है, नहीं तो ज़्यादातर लोग जो हैं वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं, तो ऐसे में सबका ख्याल रखना अपना ज़रूरी है, और अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। और फाइनली हम अपने घर आ चुके हैं, और हम मेरा नहा के रेडी हो चुकी हूँ, मैंने अपने हेयर भी वॉश किए हुए हैं, आप देख रहे हैं मेरे हेयर अभी सूख चुके हैं, खाना वाना खा के मैं रेडी हो चुकी हूँ, सारे लोगों ने खाना खा लिया है, और हम लोगों का सामान ये देखो वहाँ पे डला हुआ है इस तरीके से, और ये सारा सामान जो है अभी सुबह में लगाया जाएगा, ये पूरा ये देखो कैसे डला हुआ है सारा सामान, पूरा बिखरा हुआ सारा सामान सैनिटाइज किया गया था, और फिर अभी बस अब बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो अब आराम से जो है आराम से अपने रूम में बढ़िया सोया जाएगा मस्त। तो भाई इस लॉकडाउन में मैं तो अपने घर पहुंच चुकी हूँ, अब यहाँ पे होने वाली है ढेर सारी मस्ती, और मतलब साथ में पूरा परिवार रहेगा, मज़ा आएगा। तो अभी बस रात हो चुकी है, रात के 10:30 बज चुके हैं, तो अभी सोने का टाइम हो गया है, और नहीं भी सोएंगे शायद, टीवी देखेंगे, बातें चाते करेंगे, इतने टाइम बाद हम लोग मिल रहे हैं, और फिर उसके बाद हो सकता है थोड़ा टाइम भी लग जाए, और फिर बस बातें करते करते फिर हम लोग जो है सो जाएंगे। तो फिर रखते हैं, मिलते हैं फिर आपसे बात में अगले ब्लॉग में। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।